आपका ये घटिया चेहरा और घिनौना सच सब देखेंगे। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो। मुझे बस यही डर लगा रहता था कि कहीं मामा फिर से वापस ना आ जाए। मुझे ये सब फिर से तो नहीं सहना पड़ेगा। पर मैंने ये बात आई को भी बताई थी, पर आई भी उतना ही डरी थी जितना मैं। उन्होंने भी मुझे चुप रहने को बोला। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं बहुत खुश थी, मैं सब कुछ भूल गई थी और अपनी फैमिली के साथ सबसे बेस्ट टाइम एंजॉय कर रही थी कि मामा जी फिर से आ गए। फिर से उन्होंने मेरे साथ वही सब करने की कोशिश की। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मुकुल मामा मुझे बचपन से वो टेस्ट करते आ रहे हैं। मुझसे मेरा बचपन, मेरी मासूमियत, मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे डराकर मेरा गलत फायदा उठाते थे और मुझे वो दर्द दिया जिसे मैं पिछले 10 सालों से अपने दिल में बोझ की तरह